हमारी डिमांड ओपीएस थी जो एनपीएस इंप्लीमेंट की हुई थी सरकार ने। एनपीएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमें पूरी तरह से मार्केट के हवाले छोड़ दिया गया। और आजकल तो बात करें एक देश एक चुनाव, जब ये सारी चीज़ें हो सकती तो एक देश एक पेंशन क्यों नहीं हो सकता? और जब आप इलेक्टेड को दे सकते हैं, एक दिन के इलेक्शन के लिए इलेक्टेड होता है तो आप दे सकते हैं, तो सिलेक्टेड अपनी कितनी लंबी यात्रा पार करके आता है, कितनी एजुकेशन, कितनी तैयारी करके वो आता है, जब वो तैयारी करके अपनी मेहनत के दम पर गवर्नमेंट जॉब में आता है तो उसको क्यों नहीं दे सकते? आप इलेक्टेड हैं तो हम भी सिलेक्टेड हैं, अपनी ताकत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर हमें भी वही चाहिए जो माननीय ले रहे हैं। क्योंकि मोदी जी वैसे बहुत बड़े निर्णय लेने वाले व्यक्ति रहे हैं, आप याद करिए, राम मंदिर हो, शायद धारा 370 हो, जब ये चीज़ की जा सकती है तो आर्थिक रूप से हमारा देश बहुत मजबूत है। लेने के लिए मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा सर, जिस तरह से आप लोग जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, आप लोगों को एनपीएस दिया गया, एम्प्लॉई बनाया गया, उसमें तमाम लोग ज्वाइन भी किए हैं, उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है, उसके बाद से सरकार ने यूपीएस देने की बात कर रही है, लेकिन बार बार आप लोग ओपीएस की मांग कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है आप बताइए हमारे दर्शकों को। मैं आपको बता दूँ, हमारी डिमांड ओपीएस थी जो एनपीएस इंप्लीमेंट की हुई थी सरकार ने। एनपीएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमें पूरी तरह से मार्केट के हवाले छोड़ दिया गया। ये मार्केट जो कभी 20,000 थी वो 6,000 पर भी आई थी। हमारा जो मार्केट में लगा हुआ पैसा है, एनएसडीएल के थ्रू जो पैसा लगा हुआ है, आपने देखा पीछे एलआईसी का काफ़ी शेयर गवर्नमेंट ने बेचा है, आईडीबीआई का शेयर काफ़ी बेचा है। जब इस तरह के शेयर बिक रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है, तो हम कैसे गारंटी मान लें कि हमारा जो पैसा मार्केट में लगा हुआ है वो सही जगह लगा हुआ है और हमें वो रिटर्न देगा? जिस समय हमारी रिटायरमेंट हुई वही मार्केट है, हो सकता है डाउन चली जाए, जब डाउन चली जाएगी तो हमें पैसा कहाँ मिलेगा? हम चाहते थे कि हमें रिटर्न की गारंटी दे। और ओपीएस की बात होती है, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी की बात। हाँ सर, उसी की पे मैं आऊँगा, ओपीएस में तो उसमें गारंटी दे रही है 50% की, जो यूपीएस जिसकी बात कह रहे हैं 50% की गारंटी दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये है, जो हमारा कॉर्पस है, जो हमने जो गवर्नमेंट को दिया हुआ है पैसा है, हमें वो पैसा विद इंटरेस्ट चाहिए, जो गवर्नमेंट कहीं इसके यूपीएस में चर्चा नहीं है। हम अपना कॉर्पस, हो सकता है जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है या उनके लिए वो कॉर्पस ज़्यादा नहीं हो, लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी है 30-35 साल जो सेवा देगा उसका कॉर्पस इतना रहेगा, और उस पैसे को, हमारे ही पैसे को सरकार अपने पास रख करके और उसी में से वो पैसा दे दे, वो कहीं से न्यायोचित नहीं है। लेकिन जिस तरह से सर गवर्नमेंट इम्प्लॉई की बात किया जाए तो सरकार का समाज में एक विचारधारा फैली हुई है, उसको लेकर आप जानते ही होंगे कि जो गवर्नमेंट इम्प्लॉई होते हैं उनका सर्विस अच्छा से नहीं समाज में मिल पाता है, जो वो लोग काम करते हैं जो गवर्नमेंट इम्प्लॉई होते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, समाज में, समाज कोविड को क्यों याद नहीं करते? कोविड की तरह जब समय था, जब सब लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घरों में थे, यही सरकारी कर्मचारी था जो हर जगह अपनी सेवा दे रहा था, धरातल पर लगा हुआ था, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा था। वो पूरी तरह से, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे टीचिंग लाइन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, पूरी जी जान से लगा हुआ था। सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर्मचारी का होता है, और सरकार का एक अभिन्न अंग है, सरकार की कोई भी पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंट करना ये कर्मचारी का काम होता है। लेकिन जिस तरह से प्राइवेटेशन किया जा रहा है, तमाम सरकारी एम्प्लॉई हैं उनका सर्विस सही से नहीं मिल पा रहा है, इसी के कारण वो प्राइवेटेशन किया जा रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्यों, कैसे कह सकते हैं कि सरकारी में अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है? आप एम्स, जो विश्व का सबसे अच्छा, इंडिया का तो कम से कम सबसे अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल है, एम्स में जो डॉक्टर्स हैं वो कौन है? क्या प्राइवेट कर्मचारी है? जब वो अच्छी सेवा करके देश में एक नाम कमा रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स देखिए, हमारे बच्चे कितने अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, IITN है, मेडिकल में MBBS वगैरह में अच्छी जगह हो रहे हैं, कैसे कह सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट अच्छे हैं? जब वो सारी चीज़ें करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज सरकारी कर्मचारियों के भरोसे है, उनकी सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है सरकारी कर्मचारी है। आप कोई भी चीज़ लिखिए, सेंसस से लेकर के सारे काम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट सरकारी कर्मचारी करता है, तो कैसे मान ले कि सरकारी कर्मचारी देश के लिए बाधक है? वो हर तरह से, मतलब सरकार का अभिन्न हिस्सा है जो पूरी तरह से सरकार के लिए काम करता है। सरकार है, कर्मचारी का अभिन्न अंग है, और जब सरकारी कर्मचारी है तभी तो इनकी पॉलिसी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आप बताइए कितनी बार प्राइवेट एजेंसीज को दिया गया ये काम? आपका सेंसस लगा दीजिए, वो आपके इलेक्शन लगा दीजिए, आपके पूरा इलेक्शन है किसके ऊपर डिपेंड है? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी जो एम्प्लॉय आते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं,
देश भर के इलेक्शन कंडक्ट हम करवाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि कितने प्राइवेट संस्थानों को दिया गया है, आपने नीट और तमाम जैसे जो जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो संस्थान है जैसे NTA है वो भी एक प्राइवेट संस्था है, और तमाम जो है जो परीक्षा करवाती हैं तमाम ऐसे जो संस्थाएँ वो प्राइवेट हैं। नहीं, प्राइवेट एजेंसीज़ को दिया हुआ है, वो सरकार का अपना निर्णय है किसको देना है, किसको कंडक्ट करवाना है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आप UPSC क्यों बोल जाते हैं, NTA की बात तो करते हैं, UPSC है, SSC का कौन करवाता है, वो भी तो गवर्नमेंट का है, और UPSC तो देश का सबसे बड़ा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जब UPSC होता है, SSC होता है, सारी चीज़ें हो रही है, अकेला NTA को क्यों देखें हम, सारी व्यवस्थाएं हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, एक सिस्टम से काम करती है। कुछ जगह पर हो सकता है किसी प्राइवेट एजेंसी की ज़रूरत हो, कुछ जगह पर गवर्नमेंट, सारे काम हो सकता है गवर्नमेंट जो एजेंसीज है वो नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते, पूरी ताकत से ईमानदारी से एफर्ट्स करते काम करते तभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट के काम जनता तक पहुँचते हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह से OPS नहीं मांग हो रही है, NPS सरकार दी थी लेकिन उसको अब आप लोगों के विरोध प्रदर्शन से हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, उसके बाद से UPS आपको 2025 में लागू कर रही है, उसके बाद से 50% वादा कर रही है देने के लिए, फिर भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं OPS की मांग को लेकर, क्या लग रहा है कि ये सही है राष्ट्र के नाम पर? हमें जो सरकार दे रही है, जो गारंटी की बात कर रही है, अच्छी बात है, कम से कम गवर्नमेंट को ये तो समझ में आए कि कर्मचारियों को गारंटी देनी चाहिए, 50% प्लस दिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन हम जो मांग कर रहे हैं, जो हमारा कॉर्पस है, हमने बड़ी मेहनत से अपना जो शेयर है वो कॉर्पस अपना कटवाया है, वो कॉर्पस रिटायरमेंट के टाइम हमें खाली हाथ मत भेजिए, हमारा जो कॉर्पस है वो हमें विद इंटरेस्ट दे दीजिए, जो आपका शेयर है जिसको जो आप पेंशन दे रहे हैं वो दीजिए, 50% DA जो आप गारंटी दे रहे हैं वो दो हमें, सिर्फ जो UPS में जिसको सुधार करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, जो हमारा कॉर्पस है जो लगभग 40-41% के आसपास जो बनता है वो कॉर्पस हमें दे दो, और जो पेंशन जो कह रहे हो, जो पेंशन की गारंटी की बात UPS में की है, हमें स्वीकार है। हमारा मकसद केवल अव्यवस्था फैलाना नहीं है, हंगामा करना नहीं है, हम जितनी बार भी कोई भी कॉल हुई है, हमारे धरने कॉल हुए हैं, उसमें जितनी बार भी हमने सॉल्यूशन के साथ कैलकुलेटेड करके दिए, क्योंकि ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हंगामा खड़ा नहीं करता, वो सॉल्यूशन के साथ होता है। जितनी बार भी गवर्नमेंट के पास गए हैं, हम PMO गए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में गए हैं, हमने सॉल्यूशन के साथ कैलकुलेटेड सीट दिए किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है, और मुझे लगता है जिनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ है उनको समझ में आया कि इंप्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है, और देश आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, इस तरह से OPS को इंप्लीमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नियत की ज़रूरत है। सिर्फ जब ये माननीय 3-3, 4-4 ले सकते हैं, एक दिन भी बनता है, MLA बने, MLC बने, MP बने, वो एक दिन भी हो जाता है तो OPS के भागीदार हो जाता है। ये बताइए, जो रिटायर ही नहीं होता कभी अपनी लाइफ में, जिसकी रिटायरमेंट एज ही नहीं है, उनको तो आप OPS दे रहे हैं, और जिसको जो 30-35 साल सेवा दे रहा है उसको आप पेंशन नहीं दे सकते। जब आज बात करते हैं एक देश एक विधान एक संविधान, और आजकल तो बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव, जब ये सारी चीज़ें हो सकती तो एक देश एक पेंशन क्यों नहीं हो सकता? और जब आप इलेक्टेड को दे सकते हैं, एक दिन के इलेक्शन के लिए इलेक्टेड होता है तो आप दे सकते हैं, तो सिलेक्टेड अपनी कितनी लंबी यात्रा पार करके आता है, कितनी एजुकेशन कितनी तैयारी करके वो आता है, जब वो तैयारी करके अपनी मेहनत के दम पर गवर्नमेंट जॉब में आता है तो उसको क्यों नहीं दे सकते? आप इलेक्टेड हैं तो हम भी सिलेक्टेड हैं, अपनी ताकत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर, हमें भी वही चाहिए जो माननीय ले रहे हैं। चलिए, तो आप मांग कर रहे हैं, अगर आप लोगों की मांग सरकार नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो आप लोग आगे क्या करेंगे? हमारा फिलहाल तो 17 नवंबर को जंतर मंतर पर आंदोलन है, जय घोष रैली है, और आपके माध्यम से मैं हर सरकारी कर्मचारी जो NPS कर्मचारी है उनसे आह्वान करता हूँ, जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी सहभागिता दें, क्योंकि ये लड़ाई अभी हम चूक गए तो शायद काफ़ी देरी हो जाएगी, अब समय है अपनी ताकत के साथ अपना हक लेने के लिए। और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है सरकार कहीं ना कहीं जो कमियां UPS में छोड़ी है, हमें मतलब नहीं है, चाहे इस पेंशन का नाम OPS रखे, NPS रखे, UPS रखे, चाहे नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रखे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी जो डिमांड है, जो लास्ट बेसिक है उसकी 50% प्लस DA, और उसके बाद जो हमारा कॉर्पस है वो हमें वापस देते हैं, हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो अधिकार हमें मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन
जो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले हम काम कर रहे हैं लगभग लंबे समय से, हमारा मिशन संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। और आप देखिए 17 नवंबर को आपको झलक नज़र आ जाएगी कि कर्मचारियों में एकजुटता कितनी है, और जब दिल्ली में कोई घटना होती है तो वो आवाज़ पूरे देश में पहुंचती है। और निश्चित रूप से हम हमारी जो मांग है वो सरकार से मनवा करके रहेंगे, क्योंकि मोदी जी वैसे बहुत बड़े निर्णय लेने वाले व्यक्ति रहे हैं। आप याद करिए, राम मंदिर हो चाहे धारा 370 हो, जब ये चीज़ की जा सकती है तो आर्थिक रूप से हमारा देश बहुत मजबूत है। OPS देना कहीं भी मुश्किल काम नहीं है। आर्थिक रूप से कभी तीसरा पांचवा जो भी रैंक है हमें उससे मतलब नहीं, आर्थिक रूप से हम बहुत सुदृढ़ हैं। वो तो हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। देखो मैं जिस मुद्दे पर आपके बीच में हूँ मैं उसी के बारे में कहूँगा, मैं इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हम कर्मचारी हैं और हम कर्मचारी जो शिक्षक होता है वो सब धर्म जाति सब चीज़ों को साथ लेकर के चाहता है, सब समानता की बात करता है, समानता करोड़ा भाईचारा में बात कर नहीं, बिल्कुल संविधान के एक कर्मचारी होता है, वो संविधान की मर्यादा में रह करके अपने जो भी लिमिटेशंस है उसमें निर्णय लेता है, उसी में रह करके काम करता है। और ये चीज़ें कर्मचारी एक निश्चित रूप से, आप देखो कोई भी धरना कॉल होता है हंगामा करना तोड़फोड़ करना वो हमारा मकसद नहीं होता, हम शांतिपूर्वक तरीके से, और वो चीज़ आपको 17 नवंबर को जंतर मंतर पर भी नज़र आ जाएगी। चलिए शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विनोद यादव जी थे, जिस तरह से कह रहे हैं OPS NPS और UPS, आप जानते ही होंगे जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू कराने के लिए देश भर से दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे जो कर्मचारी वर्ग है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, और 17 नवंबर को भारी प्रोटेस्ट होगा जिस तरह से OPS लागू करने के लिए। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।